परेशानी में रात सोई नहीं होगी। शुक्र है साथ चला गया, आएगा भी नहीं सारा दिन। मासूम बच्चे को धोखा दे रही हो? जिस हाल में वो घर छोड़ के गया है ना, अभी अगर से कुछ हो गया तो मैं तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ भी ना तुम्हारी वो चक्री माँ और तुम्हारी बकवास बातों में। बस अम्मी, मैं अपनी मरहूम मामी के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। आपने जो कहना है ना मुझे कहे, उनके बारे में क्यों कह रही है? मेरे साथ जबान चलाओगी? कोई कितना अच्छा भी बनकर सामने आए, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। और आंटी तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा आप समझती थी। काश आप आज जिंदा होती अम्मी, मैं आपके गले लगकर फूट फूट कर रो लेती, मेरा भी दुख कम हो जाता। रानी कहाँ हो? जल्दी आओ। जी नहीं अम्मा जी। रानी वो ये स्टोर लॉक क्यों है? इसमें ना मेरी अम्मा का कुछ सामान पड़ा है, वो मुझे अपने कमरे में लेके जाना है। तुम जाओ, जाकर चाबी लेके आओ। चाबी तो मेरे पास नहीं है। तो वहां जाके देखो ना जहाँ दूसरी चाबियां होती हैं। जाओ जाकर लेके आओ, मुझे सामान लेना है। स्टोर की चाबी ना वो तो बेगम साहिबा के पास होती है, और वैसे भी ना कहते हैं कि मरने वालों की चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? बदशगुनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। पता नहीं कौन से ऐसे खुदगर्ज इंसान हैं जो अपने प्यारों के चले जाने के बाद उनकी चीजें बाहर फेंक देते हैं। तुम पता नहीं किन खुदगर्ज और बदफितरत लोगों की बातें कर रही हो। सच कह रही हैं आप, बेगम साहिबा तो बहुत ही बदफितरत और खुदगर्ज हैं। नेहा बाजी, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ तुम। जी बाजी। सुमन से इस वक्त फोन पर भी बात नहीं कर सकती। बैठो अलमास, शुक्र है कि तुम आ गई। बार बार कॉल कर रही थी तुम, सोचा आई जाऊं। बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है काम से मैंने। कहाँ है निशा? सो रही है। अब सूरत हाल क्या है? बहुत परेशान हूँ मैं अलमास, जैसा सोचा था ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा साथ की हरकतें। साथ की हरकतें हमसे छुपी हुई तो नहीं थी ना? तभी तो हमने उसकी शादी करवाई है ताकि सुधर जाए।
अब बहू आ गई है ना, उसको संभालने दो। वो उसकी नहीं सुनता, ना ही उसे समझाता है कुछ। माओ के सामने सब लड़के ये करते हैं, पीछे पीछे ना बीवियों के गुलाम होते हैं। वो संभाल लेगी। साथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, जैसा भी है ना। अब निशा आ गई है ना, उसको बस समझाती रहो, उसको संभालो, वो सही कर लेगी। ना समझाना था ना मैंने निशा को, समझा दिया मैंने, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो। साथ की कोई आवाज नहीं आई, इसका मतलब है वो जा चुके हैं और आंटी भी जा चुकी होंगी। मतलब ये कि साध ने, आप तो तुम्हें याद है कुछ साल पहले साध ने क्या किया था? बाइक ना बारिश में भीग गई थी, पेट्रोल छिड़क के उसने बाइक को आग लगा दी थी। मैं उस वक्त से तुम्हें कह रही हूँ कि इसको नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है, इसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाओ। मसला है बेटे को, तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। ऐसा नहीं है अलमास, तुम तो जानती हो ना, बचपन से वो ऐसा ही है, जिद्दी है, मेरी कभी बात ही नहीं सुनता, हमेशा अपनी ही बात मनवाता है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अब मैं तुम्हें क्या मशवरा दूं? शादी तो करवा दी, अब बहू को मैनेज करने दो, तुम बहू को संभालो फिर। अच्छा मैंने अलमास सोचा है कि मैं निशा का वीजा अप्लाई कर देती हूँ ताकि जल्द से जल्द उसे अमेरिका भेज दूं। नहीं, ये गलती कभी मत करना। नहीं अलमास, वो मुझे डर है कि वो उसे मार देगा। कैसी बातें कर रही हो, अब तो वहमी हो गई हो तुम, मार देगा? भाई तुमने अगर उसको बाहर भेज दिया ना तो उसके भाई को सब पता चल जाएगा कि साथ कैसा है। मैंने तो अपनी पर्सनल गारंटी ली थी ना तुम्हारे बेटे के लिए, मेरी रेपुटेशन, मेरा बिजनेस सब खाक में मिल जाएगा, ये तुम नहीं कर सकती। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है मेरा, फैमिली टर्म्स है, और मैंने ना तुम्हारे बेटे की जो शादी करवाई है ना बड़े एहसान तुम पे करके करवाई है। अगर ये तुमने किया ना तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं साथ के कल वाले रिएक्शन से बहुत डर गई हूँ अलमास। मैं क्या कहूँ तुमसे, आप तक मेरा कोई मशवरा तो तुम सुनती नहीं हो। डॉक्टर के तुम नहीं जाना चाहती, बहू से तुम नहीं खुश हो, इस मसले को और मत बढ़ाओ। देखो जो भी है ना, बस अब संभालो इसे। अब एक लड़की आ गई है घर में, उसको ट्रेन करो, सिखाओ, समझाओ, वो संभाले ना अपने मियाँ को। और मसला बढ़ाओगी ना तो मैं भी फंस जाऊंगी आपदा, प्लीज ये मत करना मेरे साथ। शायद तुम्हारा बेटा सुधर जाए, थोड़ा वक्त तो दो उसे। अगर उसको बाहर भेज दिया ना तो उसके भाई को सब पता चल जाएगा कि साथ कैसा है। मैंने तो अपनी पर्सनल गारंटी ली थी ना तुम्हारे बेटे के लिए, मेरी रेपुटेशन, मेरा बिजनेस सब खाक में मिल जाएगा। निशा बिल्कुल मेरी सुंबुल या अंबर की तरह है, मेरी अपनी बच्ची है वो। अल्लाह ना करे कि शादी के बाद तुम्हें कोई भी परेशानी हो, लेकिन अगर जरा सी भी कोई बात होगी ना, तुमने सबसे पहले मुझे फोन करना है। साथ की हरकतें हमसे छुपी हुई तो नहीं थी ना, तभी तो हमने उसकी शादी करवाई है ताकि सुधर जाए। अब बहू आ गई है ना, उसको संभालने दो। पहले भी सब कुछ झूठ था, धोखा था अलमास आंटी का, और अब यहां आकर आंटी को भी मना कर दिया कि वो मुझे ना भेजे। साथ कभी ठीक नहीं होंगे, मार डालेंगे वो मुझे, मार डालेंगे। जिस दिन से तुम्हारी बेटी के सब कदम हमारे घर में पड़े, हमारे घर का तो शिराजा ही बिखर गया। तुम्हारी औकात नहीं क्या कशांक, तुम मुझसे इस तरह से बात करो? अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। आई एम सॉरी मिस्टर फैज, मैं आपको एक जॉब ऑफर नहीं कर सकता। जिंदगी में बेवफा लोग मिल जाए तो दिल के अंदर आतिशदान सा बन जाता है, फिर चाहे ना चाहे साख्ता बिसाख्ता अंदर ही अंदर कुछ सुलगता रहता है। अगर कभी वो लौट आया तो
तो उसका लौटना समंदर की बेबस लहर जैसा होगा। अब से भाभी नहीं, आप ही आएंगी पार्लर? नहीं नहीं, भाभी आएंगी, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मामा मुझे ले आए। अच्छी बात है ना, आप आती रहेंगी तो हर चीज में परफेक्ट हो जाएंगी। आपको ये सर्विसेज लेंगी? नहीं नहीं, कहीं आने जाने का तो मुझे वैसे ही शौक नहीं है, तो जो है जैसा है वैसे ही ठीक है। हम्बर तो वैसे हर रोज ही आके सर्विसेज ले रही होती है। हाँ, उसे तो शौक भी बहुत है। बचपन में मामा का मेकअप चुरा के मेरे मुंह पे ट्राई करती थी और उसे डांट पड़ती थी तो साथ साथ मुझे भी पड़ती थी। और अरे क्लाइंट आ गए, मैं इनको देखती हूँ, आ जाए, मैं आपको लेके चलती हूँ। छोटी छोटी बातों में मैं नहीं पढ़ सकती बेटा, उनका आपस का मसला है, उनको सॉल्व करने दो। सुंबुल। तामिकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? कुछ भी नहीं किया, बस बातें कर रही थी सबके साथ। कुछ नहीं किया? नीलम जरा मेरी बात सुनना प्लीज। जी मैम। नीलम पूरा दिन बैठी रही, कुछ सिखाई देती है इसे? आए फिर मैं आपको हेयर स्टाइल सिखा देती हूँ। जी मैं नहीं चाहती ये लोग किसी के मामलात में पड़े। बहुत सादी है मेरी सुबुल, नेहा के चक्रों में बसना पड़े। किसी ने ये तस्वीर उतारी होगी और आसिम के नंबर पर क्यों भेजी? और अगर आसिम के नंबर पर भेजी थी तो आसिम पहले मुझसे बात कर सकता था। लेकिन ये तस्वीर कौन भेज सकता है? बासित? मगर उसका क्या मकसद होगा? नहीं, वो लड़का ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वो तो सुंबुल को सॉरी भी कर कर गया था। नहीं, ये काम उसका नहीं है, मगर फिर कौन कर सकता है ये? और कोई क्यों कर रहा है, क्या चाहता है वो मुझसे? कहीं ये अंबर तो नहीं, मगर वो क्यों करेगी ऐसा? या अल्लाह, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जो भी ये कर रहा है वो खुद ब खुद सामने आ जाए। निकाल दिया आंटी ने मेरा पासपोर्ट, मुझे जितनी जल्दी हो भाई को बता देनी चाहिए सारी बात, लेकिन मेरा फोन तो। ठीक तो है ना मैम?
नाश्ता लगा दूं आपके लिए? नहीं, साध ने कल मेरा फोन भी तोड़ दिया था। सर जी हमेशा से ऐसे ही है। आपने अपना चेरू आजाद कर दिया ना? अच्छा किया। उनके पास एक डॉगी था, बैम्बी। मैम ने बताया था मुझे, जब वो 2 दिन का था तब लिया था सर ने अपने दोस्त से। तो कहाँ गया वो? मैम की किसी बात पर सर को बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने गन निकाल कर 6 की 6 गोलियां उसके पेट। अरे नीलो, मुझे फोन करना है, अपना फोन देना। ये वाला नहीं, वो बड़ा वाला फोन। वो भी है मेरे पास। आज शाम को मुझे घर जाना है, कल आते आते वो लेती भी आऊंगी। नीलो, मेरा बैग लेना, मेरे रूम से मुझे कहीं जाना है। जी बेबी जी, मैं अभी लेके आई। पता मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी फैमिली से मिलवाएं। मिलवाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो फिर अभी मिलवाएं। अभी? नहीं, अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, पर मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपको अपनी मॉम से मिलवा दूं। पर अगर उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया तो? मैंने पसंद किया ना, समझ जाए हो गया सेलेक्ट। मैंने पसंद कर लिया, इसका मतलब है मॉम ने भी आपको पसंद कर लिया। पता है लाइफ में क्या चाहती हूँ मैं? क्या? मैं चाहती हूँ जैसे अभी है ना हम, बहुत अच्छे दोस्त। शादी के बाद भी हम ऐसे ही रहें, घूमें फिरें, एंजॉय करें लाइफ को, ईच एंड एवरी मोमेंट हम एंजॉय करें। जरूर ऐसे ही रहेंगे। डन? हाँ क्यों नहीं। किसकी कॉल रिसीव कर लो? फिजूल सा क्लास फेलो है मेरा। मेरा कोई मूड नहीं है इसकी बातें सुनने का, ना ही इसे बात करने का। अब कुछ ऑर्डर करें ना? हाँ क्यों नहीं। वेटर, और बताओ ये तुम्हें हर वक्त कॉल करता है या आज ही तंग कर रहा? अब ऐसे ही नोट्स मांग रहा होगा, इसीलिए कॉल कर रहा होगा। पढ़ना लिखना नहीं होता इसको, ऐसे फिजूल है। मेम साहब, आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? साहब ने मना किया है कि मैं आपको बाहर ना जाने दूं। देखो रुस्तम, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दो। देखें, अगर सरकार का हुक्म ना माना तो आप मेरी मजबूरी समझें। आप अंदर जाइए।